महर्षि वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा को लेकर चार भाजपा नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से लंढौरा की 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। भारी पुलिस बल लंढौरा में दिन भर जमा रहा। वहीं हर तरफ हर एक गतिविधियों पर पुलिस और खुफिया विभाग की पैनी नजर है। आपको बता दें, कस्बा लंढौरा में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकलने की संभावना को लेकर लंढौरा पुलिस छावनी में तब्दील रहा। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती भी रही। इसके अलावा शोभा यात्रा निकालने की मांग को लेकर लंढौरा पहुंचे भाजपा नेताओं की हिरासत में लिया गया है। वहीं कस्बे में दुकानें भी बंद रहीं। वहीं वाल्मीकि बस्ती की गलियां सुनसान रहीं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण वाहन और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज करवाने लंढौरा पहुंचे और उन्होंने वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकालने को लेकर अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। उपप्रधानाधिकारी के आदेश से 144 यहाँ पर लगाई गई थी और उसमें जो पर्याप्त पुलिस बल जो मांगा गया था वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। पूरी तरीके से जनजीवन सामान्य है और किसी भी इस तरीके की घटना ना हो उसके लिए हम लोग सतर्क सतर्कते हैं। कुछ लोग जिनको आने का प्रयास किया गया था उनको हिरासत में लिया गया है, समझते हैं। बाकी तक आगे बेसिकली यहाँ पर एक वाल्मीकि जयंती का जुलूस था जो परसों निकाला गया था। बात है कि सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा रोकी गई और प्रशासन द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी गई, ये खेद का विषय है। जब सभी धर्मों की, सभी महापुरुषों की शोभा यात्रा लंढौरा के अंदर शांतिपूर्वक ढंग से निकाली जाती है और कभी भी किसी भी शोभा यात्रा में कोई विवाद आज तक नहीं हुआ,